सबसे पहले मैं अपने व्यूअर्स को मेरी क्रिसमस एंड हैप्पी न्यू ईयर विश करना चाहती हूँ. हमारे जमाई राजा में बहुत सारे एक्शन पैक्ड एपिसोड्स आ रहे हैं, सीन्स आ रहे हैं. ऑब्वियसली आई स्टार्टेड प्लेइंग माही फर्स्ट. उसके बाद माही से मैं सत्या की बहुत अच्छी दोस्त प्ले करने लगी. फिर दोस्त से मैं विलन हो गई, विलन से फिर एक किलर हो गई, किलर से भूत हो गई. अब भूत से मैं एक लेवल और आगे बढ़ चुकी हूँ बेसिकली. सो विलेन का जो सारे एसेंस है मैंने इस शो जमाई राजा में सब कर दिए. सो यू विल सी डिफरेंट शेड्स ऑफ मी, यू विल सी 70 शेड्स ऑफ ब्लैक इन माय कैरेक्टर. एक्चुअली क्योंकि ये मेरा फर्स्ट टाइम है विलन के किरदार प्ले करने में, तो इट्स फन एक्चुअली, इंटरेस्टिंग है क्योंकि बहुत सारी चीज़ें करने को मिलती है. लेकिन फनी चीज़ ये है कि कोई कोई डायलॉग्स जब बोलने पड़ते हैं, मतलब एकदम लाइक सॉलिड लाइक क्रश करने वाले डायलॉग, वो अंदर से आता नहीं है. इट्स लाइक ओके नाउ सारा बी अ विलन मेंटली, तो फिर वो थोड़ा हंसी आती है. जब स्क्रिप्ट पढ़ते पढ़ते मैं बहुत हंसती हूँ. But obviously you have to get in the character and then you have to play what you have to play. Interesting hai, when you play a main lead, hamesha aapko sweet girl next door, crying, ye sab play karna padta hai. But when you play villain, you have to be tough, courageous, bahut sare shades aapko dikhai dete hain. So it's interesting, bahut interesting hai as a character. हाँ हाँ, मतलब किडनैपिंग, फेस चेंजिंग मेरे बाएं हाथ का कमाल है. आई मीन उठा लेती हूँ मैं माही को, किडनैप कर लेती हूँ, बिकॉज मुझे अभी सत्या का जुनून सवार है. सो आई जस्ट नीड सत्या एनी हाउ, आई जस्ट वॉन्ट हिम. तो एक कैरेक्टर अलीना किस हद तक जा सकती है सत्या को पाने के लिए. शी इज नॉट एक्चुअली अ विलन विलन, लेकिन उसके प्यार ने उसको पागल कर दिया है. तो वो किस हद तक जाती है वो आगे के एपिसोड में आपको और दिखाई देंगे. आई थिंक उर्मिला मातोंडकर का प्यार तूने क्या किया का उसमें शेड्स है. सो वो दिखाई देता है उसमें. सी आगे का तो मैं सस्पेंस यू नो रिवील करने वाली हूँ, बिकॉज वो पूरा शो का एसेंस खराब हो जाएगा. तो आई थिंक आई शुड लेट द व्यूअर्स वॉच इट एंड सी कि आगे क्या क्या है. जाते जाते मैं ये कहूँगी कि आई होप आपको मेरा काम अच्छा लगा. आई होप आगे भी आप मुझे उतना ही प्यार देंगे. एंड गुड लक एंड हैव अ ग्रेट न्यू ईयर. थैंक यू.